Hello students, today is part 4 of handwriting project. In part 1 we practiced small letters, single letters, then in part 2 two letters, joined two letters. In part 3 we joined 3 and 4 letters, and today we will join all the letters together. If you join the letters like this, if you can join the letters like this without lifting your pen, the flow of your writing letters, the method of your joining letters will improve very much. Okay? And you will be able to write in proper way with a good speed. अगर इस तरह से बेटा आप एक बार भी पेन उठाए बिना पूरी लाइन को लिख सकते हैं, अगर इस तरह से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप कितने भी बड़े वर्ड को एक साथ लिख सकते हैं, और उससे आपका फ्लो भी बढ़ेगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, और लेटर्स को ज्वाइन करने का तरीका भी आपका इम्प्रूव होगा. तो देखिए आपको कैसे करना है, वही तीन फॉर्मूलाज हैं. वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लोअर लाइन, वी विल नॉट लिफ्ट द पेन ड्यूरिंग द होल वर्ड, एंड वी विल लीव अ टेल एट द एंड. So let us start. Starting में हो सकता है आपका हाथ बहुत स्लो चले, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका हाथ खुलता जाएगा. तो आपको प्रैक्टिस करनी है बेटे डेली, चार पांच बार इस तरह से पूरी लाइन लिखने की आप प्रैक्टिस करेंगे. लेकिन ये ध्यान रहे कि आप बीच में उठाएंगे नहीं पेन को, ठीक है. टी में, जेड में, जे में जो आपको ये लाइंस और डॉट्स लगाने हैं ये आप बाद में लगाएंगे. लाइक दिस, एक बार और कर लेते हैं प्रैक्टिस. ए बी सी डी ई F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. लाइक दिस. तो स्टूडेंट्स डेली आपको 5 टाइम्स ये प्रैक्टिस करनी है अपनी कॉपी में. धीरे धीरे से स्टार्ट करेंगे, ज़रूरी नहीं आप जल्दी जल्दी करें और आपके लेटर्स की जो साइज है और जो फॉर्मेशन है वो बिगड़ जाए. नहीं, धीरे धीरे जिस स्पीड से आप कर सकते हैं उससे करें, और 2-3 दिन ऐसा करने के बाद ही आप देखेंगे कि आपकी पूरी लाइन को लिखने की स्पीड बहुत बढ़ जाएगी. और जब आप इतने सारे 26 लेटर्स को इकट्ठा लिख सकते हैं तो बेटे कितना भी बड़ा वर्ड हो उसको आप फ्लो में फटाफट लिख जाएंगे, ठीक है. तो इससे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आपकी हैंडराइटिंग भी इम्प्रूव होगी. तो इस वीक के लिए आपका यही प्रैक्टिस है कि आपको 5 टाइम्स डेली 5 लाइंस भरनी है, ठीक है. उसके बाद ज़रूरी नहीं आप नेक्स्ट पेज पे करें, अगले दिन का काम अगली लाइन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बीच में डेट डाल देना, ठीक है. इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस करनी है. This is the work for your this week. Okay, thank you.